गणिकमा महाराणा प्रताप के 473वें जन्म दिवस पर एक सोने में सुहागा और लगा है। उनके बाएं हाथ भील राणा पूजा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम यहां रखा। महाराणा प्रताप की सेवा में, चाहे राज परिवार की सेवा में, यहां का चाहे महाराणा उदय सिंह जी हो, संग्राम सिंह जी हो, महाराणा फतेह सिंह जी हो, कोई भी हो, हमारा भिन्न समाज आपके लिए खड़ा नजर आया है। आपके सहयोग के लिए, आपकी सेवा के लिए खड़ा नजर आया है। इस कण कण में भील शब्द बोलता है, इस माटी में भीलों का त्याग और तपस्या बोलती है। रणधीर यहाँ लड़ते आए तोपों के खुले दहानों से, रणधीर यहाँ लड़ते आए तोपों के खुले दहानों से, इस धरती के जाबाजों ने इतिहास लिखा है बलिदानों से। मेरे लिए गर्व की बात है कि पिछले 5 वर्षों से लगातार महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मुझे आपके साथ होने का अवसर मिल रहा है। आज यह भी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच हैं। मैं मंच पर विराजे समस्त अतिथियों का स्वागत, आभार एवं इस्तकबाल करता हूँ। इस भीषण गर्मी में आपके जोश को भी मैं नमन करता हूँ। आज यह हर्ष और उल्लास की बात है कि महाराणा प्रताप की 473वीं जयंती के अवसर पर राजतिलक स्थली पर उनके एक और वीर सेनानी बिलू राणा की मूर्ति का अनावरण किया गया। आज सरकार ने उन्हें वही मान सम्मान दिया है जो मेवाड़ उन्हें वर्षों से देता आ रहा है। मैं यहाँ पे ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन
बीते 28 वर्षों से राणा पुंजा अलंकरण से हमारे भाइयों का सम्मान करता आ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये फरियाद करना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप राज तिलक स्थली को पर्यटन स्थली घोषित करें, जिससे कि इस क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटकों का विकास हो और वो पर्यटक ग्रामीण संस्कृति एवं उसकी परंपराओं से वाकिफ हों। महाराणा प्रताप की 474वीं जयंती के अवसर पर एक तरफ तो पूरा देश पूरा प्रदेश उनकी जयंती मना रहा है, उनका जो त्याग बलिदान शौर्य पराक्रम स्वाभिमान उसी गाथा गा रहा है और जो हमारे गुरु दिखाया था त्याग का बलिदान का कठिन परिस्थिति में रहकर के भी उसको याद करके कि मैं संकल्प लेता है देश सेवा के लिए, ऐसे वक्त में साथ में जो एक फैसला किया गया बिलू राणा जहाँ पूंजा भी कहलाते थे जिनका नाम था पूंजा, उनकी आज आदमकद मूर्ति यहाँ लगी उनके महाराणा प्रताप के साथ में एक नया संदेश देने का जो संकल्प व्यक्त किया जगसा सिंह जी ने व इनके तमाम साथियों ने जाला साहब ने, मैं समझता हूँ कि ये अपना अपने एक ऐसा संदेश है आने वाली पीढ़ी याद करेगी